हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में मैंने ईथर का फर्स्ट पार्ट आपको बताया था, तो पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें आपको बता दूं कि जो आपके ईथर होते हैं, जैसे सपोज दैट एक सिंपल ईथर में पहला ईथर लिख देता हूँ CH3O CH3, ठीक है। कार्बन ईदर साइड अगर आप देखें, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके इस साइड में आप देख रहे हैं वन कार्बन और दूसरी साइड में भी एक कार्बन है, दोनों तरफ एक एक कार्बन है। तो जब कार्बन की संख्या कम होती है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल, जैसे अगर एक कंटेनर में आपने ये रखा है तो एक कंटेनर में एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, देर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, लेट एक मॉलिक्यूल और बना देते हैं यहाँ पर CH3O CH3, तो कार्बन की संख्या कम है, तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो दो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में एटम एटम जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये सब ये इनके बीच में भी आपस में भी एक फोर्सेस काम करते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। जैसे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा वंडरवाल फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या विद इन ए मॉलिक्यूल एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में भी होते हैं कहीं पे, ठीक है ना। तो अब आपने ईथर का ये जो मैंने अभी ईथर आपके सामने लिखा हुआ है, ये है हमारा डाइमिथाइल ईथर। तो डाइमिथाइल ईथर एक कॉमन नेम मैंने बोला आपको, अगर इसका IUPAC नेम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस भी किए थे, मिथॉक्सी मिथेन इसको बोलेंगे। तो इसी तरह से अब मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, सपोज करें कि CH3CH2O CH2CH3 है, तो इस कंटेनर में अगर आप देखेंगे तो इसके ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी बना देते हैं CH3CH2O CH2CH3। ये है आपका डाई इथाइल ईथर, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये सिमेट्रिकल ईथर की बात हमने की है। तो इसमें अगर आप देखें कि इनके बीच में आपस में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे, इनके बीच में लगेगा, इनके बीच में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो है आपके बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस आपस में लग रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में चेंजेज आता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। जब आप कार्बन की संख्या कम लेंगे तो उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्सेस आपस में कम होंगे तो बाइंड भी कम होंगे, एक दूसरे को बॉन्ड कम बनाएंगे, एक दूसरे के साथ में जुड़े कम होंगे। जब वो जुड़े कम होंगे तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो फ्री होंगे। जब वो फ्री होंगे तो फ्री फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट। तो इट मींस जो लोअर ईथर होंगे, लोअर ईथर जिसमें कि लेस नंबर ऑफ कार्बन हैं, वो तो होंगे गैसेस स्टेट में। वेरी सिंपल वे में आप उसको समझ रहे हैं। आप जैसे जैसे आप देखेंगे कार्बन की संख्या बढ़ते चली जाएगी, कार्बन अगर इसमें हायर नंबर ऑफ हायर जो आपके ईथर होंगे उनमें जो है आप लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, और भी अगर हायर बहुत हायर अगर कार्बन बहुत ज्यादा हो गए तो आप सॉलिड स्टेट में भी पहुंच सकते हैं। तो लोअर ईथर जो होंगे वो गैसेस फॉर्म में होंगे और हायर ईथर जो होंगे आपके लिक्विड स्टेट में होंगे। इसी तरह से कभी कभी आपने देखा होगा सॉल्युबिलिटी की अगर बात आती है, सॉल्युबिलिटी क्या ये वाटर में डिजोल्व होंगे, क्या पानी में ये सॉल्युबल हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कभी भी देखिए सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो तो होता है हमारा, आपने सुना भी होगा लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा कंपाउंड होता है वैसा ही आपका क्या भी होना चाहिए, सॉल्वेंट भी होना चाहिए, अगर दोनों का नेचर मैच करता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर डेली लाइफ में भी अगर आप देखें, अगर आप फ्रेंडशिप भी करते हैं किसी से, अगर विचार मिलते हैं तो आपकी दोस्ती हो सकती है, और अगर विचार ही नहीं मिल रहे हैं तो उनकी फ्रेंडशिप आपस में नहीं हो सकती है। उसी तरह से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी रिलेशन होता है, अगर दोनों का नेचर मैच कर जाता है तो ये समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। यहाँ पर फ्रेंडशिप का मीनिंग है सॉल्यूशन बन जाता है, तो सॉल्यूशन बन जाएगा तो इट मींस आप देखिए पोलर जो कंपाउंड अगर है तो वो पोलर सॉल्वेंट के लिए ही जो है आपका सुटेबल रहेगा, पोलर सॉल्वेंट में ही वो डिजोल्व होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो ईथर है, ईथर में अगर आप पोलैरिटी देखें तो पोलैरिटी क्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोलैरिटी किस किस के बीच में आपको चेक करनी है। देखिए सी, अगर मैं पूरा बॉन्ड अगर आपके सामने रखूं, CH H H O CH H H, यहां पर की तो पोलैरिटी आप देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी जो है ना के बराबर है, क्यों,
क्योंकि दोनों के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस अगर आप देखें केवल 0.1 का डिफरेंस है, तो इतना कम डिफरेंस है जिससे कि न तो कार्बन में नेगेटिव आता है न हाइड्रोजन में पॉजिटिव आता है, तो इस मींस ये बॉन्ड तो जो है हमारे क्या है नॉन पोलर है। तो जो पोलैरिटी आपकी डेवलप हो सकती है थोड़ा बहुत वो यहाँ पे डेवलप होगी इसके CO बॉन्ड के बीच में। तो CO बॉन्ड के बीच में जो पोलैरिटी डेवलप होती है वो पोलैरिटी आपकी इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पोलैरिटी भी आप नहीं कह सकते जिससे कि ये आपके वाटर के साथ में जो है सॉल्युबिलिटी बहुत बेटर हो, तो ये वाटर के साथ में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो स्लाइटली जो है सॉल्युबल रहेंगे, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्युबल इन वाटर इन H2O, ठीक है, क्योंकि H2O और इसके बीच में अगर आपको सॉल्युबिलिटी बेटर करनी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो काफी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन सकता है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो थोड़ा पार्शियल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वही हाइड्रोजन के जो है जो वाटर का मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होगा, इस तरह से अगर आप लें तो इसके साथ ये होगा डेल पॉजिटिव, ये है डेल नेगेटिव, इनके बीच में स्लाइटली एक जो है पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन में, तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को आप क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है काफी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होता है, तो इस वजह से ये स्लाइटली थोड़ा सा सॉल्युबल तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीली सॉल्युबल नहीं कह सकते आप। एक तो सॉल्युबिलिटी का हमने देखा, आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें हम, मेल्टिंग पॉइंट में ये नो मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करते, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो यहां पर से अगर आप देखें तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए अगर कंपरेटिव अल्कोहल अगर आप ले लें, सपोज एक अल्कोहल मैंने ले लिया CH3CH2OH एक ले लिया और एक ले लिया इसी तरह से एक ईथर ले लिया, इसी का ऐसा ईथर ले लिया, देखो डाइथाइल ईथर ले लिया और एक जो है इथेनॉल ले लिया, दोनों में अगर आप कंपेयर करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो आप ये देखेंगे कि दोनों का नेचर देखिए, इसमें जो है मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बहुत बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना, और इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो काफी वीक होगी आपस में ही, अगर आप देखेंगे वीक होगी या न के बराबर होगी ऐसा भी आप कह सकते हैं, तो इसमें तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत ही कम होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का चलना होगा, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बेटर है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बेटर होगा, और अगर नहीं है वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, वो बहुत जल्दी जो है आपका बॉइल हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में आता हूँ। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला है इसमें तीन डिफरेंट टाइप की चीजें आपके सामने रखते हैं कि ईथर में आपका क्या क्या है। देखिए नंबर एक, ईथर में आपका एक तो होता है CH3O CH3 में देखिए एक है एल्काइल, एक एल्काइल ग्रुप है, तो एक रिएक्शन तो होगी इसकी एल्काइल ग्रुप की वजह से, एल्काइल ग्रुप की वजह से एक रिएक्शन होगी, कुछ रिएक्शन होंगी ऑक्सीजन की वजह से, इसकी वजह से दूसरी रिएक्शन होगी। देखिए तीन तरह के रिएक्शन बता रहे हैं आपको, और एक रिएक्शन होगी CO बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड जो है इस तरह का जो बॉन्ड है, तो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, 1 2 3 तीन अलग अलग तरह के रिएक्शन होंगी, देखिए ठीक है ना। एल्काइल ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू दिस इथरल ऑक्सीजन, ड्यू टू CO बॉन्ड। तो पहला मैं आपको बताता हूं एल्काइल ग्रुप की वजह से, देखिए एल्काइल ग्रुप की वजह से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, एक हम लिख देते हैं हैलोजनेशन, हैलोजनेशन। अब देखिएगा हैलोजनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके अंदर है, क्योंकि कंडीशन बदल जाती है तो प्रोडक्ट बदल जाता है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। देखिए एक में रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पर CH3CH2O CH2CH3, अगर इस पर रिएक्शन करते हैं आप Cl2 की क्लोरीन की, और इसमें ले लेते हैं आप यहाँ पर डार्क में कंडीशन रख देते हैं हम डार्क में, जैसे डार्क और सनलाइट अगर दो रिएक्शन है हम देखते हैं अधिकतर केसेस में केमिस्ट्री में, तो अगर आप डार्क में लेते हैं तो आप देखिए जो ऑक्सीजन है जो यानी कि फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल में देखिए ये वाला कार्बन है या ये वाला कार्बन है, दोनों कार्बन को आप देख लीजिए इधर साइड में, क्योंकि आप ठीक फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, इस साइड में भी ये अल्फा है इसमें भी ये अल्फा है,
ठीक है ना, अगर दोनों को अलग अलग करना है तो एक को अल्फा बोल सकते हैं, एक को अल्फा डैश बोल सकते हैं। अल्फा और अल्फा डैश बोथ आर जस्ट अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आप Cl2 की रिएक्शन करते हैं डार्क में, तो जो सबसे एक्टिव हाइड्रोजन जो होगा वो ऑब्वियसली कि जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला हाइड्रोजन होगा वही एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है, वो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए CH3 एक एच में इस साइड से अभी आउट कर रहा हूं, तो यहां पर एक एच हट करके HCl आउट हो जाएगा और यहां पर Cl लग जाएगा, बाकी अपनी जगह पर बनाए रखना है, ठीक हो गया ना। अब इसी तरह से फर्दर अगर आप दोबारा से इसमें क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं डार्क में ये है, ठीक है, तो दूसरी साइड में अदर साइड का जो एक हाइड्रोजन है, देखिए वन बाय वन अपने अलग अलग करना है, स्टेप बाय स्टेप अलग करना है, तो ये आ जाएगा CH3CH, ये Cl तो बना रहेगा, O CH Cl CH3। तो एक बार में आपने क्या करना है, एक साइड में, फिर दूसरी बार में दूसरी साइड में, और फर्दर आप जाओगे फिर एक साइड में फिर दूसरी साइड में, इस तरह से आप स्टेप वाइज जाएंगे। ये था आपका डाइथाइलीथर, डाइथाइलीथर, ठीक है, कॉमन नेम है। अगर आप आईयूपीएसी नेम जाएंगे, देखो आईयूपीएसी नेम आप ऐसे क्लियर रखने हैं आपको जैसे आपको अपना नाम क्लियर होता है, उसमें ये नहीं सोचते कि अच्छा मेरा नाम क्या है, ऐसा तो आपको लगता नहीं है। तो इसमें आईयूपीएसी नेम देखिए, दोनों तरफ बराबर कार्बन है, एक तरफ को आप ले लीजिए ऑक्सीजन के साथ में, तो इथॉक्सी इथेन, ठीक है ना, कॉमन नेम आपका ये है, ओके। उसी तरह से आप यहां पर देखिए क्या लिखते हैं हम, क्योंकि इसको मैंने अल्फा माना था, आप देखिए, तो अल्फा क्लोरो डाइथाइलीथर, ठीक है, कॉमन नेम नॉट आईयूपीएसी। इसमें आपके क्या जाएगा, देखिए इसको अल्फा माना था, इसको अल्फा डैश माना था, अल्फा कॉमा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, देखिए अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाइक्लोरो, डाइक्लोरो फिर क्या था आपका, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। देखिए नेमिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। अब हम कंडीशन बदलते हैं, देखिए हेलुसिनेशन में यहां पर कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन रखी गई थी, क्लोरीन के रिएक्शन डार्क में करना था, अभी पे कर देते हैं सनलाइट पे कर देते हैं इसको, देखिए सनलाइट में कितना इंटरेस्टिंग है, यहीं से लेके चलते हैं। देखिए क्लोरीन की रिएक्शन सनलाइट में, तो सनलाइट तो काफी रिएक्टिव आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है वहां से, तो वो क्या करता है, जितने भी हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर देगा, रिएक्टिव फॉर्म होगी, तो ये आ गया देखिए CCl3, CCl3, CH2 की जगह CCl2, O CCl2, CH3 की जगह CCl3, इट मींस All the hydrogens are now replaced in the presence of sunlight. Okay? तो ये क्योंकि आपके देख रहे 3, 2, 5 और ये हो गया, सभी हट गए ना, तो इसको बोलते हैं पर क्लोरो, पर क्लोरो क्लोरो डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुई। ये मैंने किसकी वजह से बताया आपको, देखिए एल्काइल ग्रुप की वजह से, ठीक है ना, पहली रिएक्शन तो ये हो गया। अब दूसरा हम इथरल ऑक्सीजन की वजह से आएंगे, देखिए ऑक्सीजन की वजह से भी कुछ रिएक्शन होती हैं, जैसे अगर आप इसमें एसिड मिला देते हैं, ठीक है ना, एसिड मिला देते हैं, देखिए क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है कि दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना, ये लोन पेयर जो होते हैं आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, इस लोन पेयर की वजह से ये एक तरह से लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, लोन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस बेस बोलते हैं आप लोग। तो यहां पे अगर हम इसकी रिएक्शन, अभी सेकंड वाला मैं बताता हूं, सॉल्ट फॉर्मेशन ऑक्सीजन की, सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, आप इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं H2SO4 के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपसे, देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, तो एसिड से क्लियर कर देते हैं, एसिड से रिएक्शन कर देते हैं किसी को, जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे CH3 इसीलिए इसी को ले देते हैं, देखिए CH3O CH3 ये हो गया, इसमें हमने रिएक्शन करी H2SO4, ओके, तो H2SO4 क्या डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा, ये दो H+ डोनेट कर सकता है, हम वन बाई वन एक H+ को लेकर के चलते हैं, क्योंकि H2SO4 कौन सा एसिड है, डायबेसिक, बिकॉज दिस कैन डोनेट टू एच पॉजिटिव टू द बेस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक H पॉजिटिव,
यहां पे आ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। ऐसा तो लिखे रहना आपने जो बनाना है। अब देखिए ये जब H+ देगा ना, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं बार बार उसको बता रहा हूं, आपको इलेक्ट्रॉनों से प्ले करना आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनों से खेल सकते हैं तो केमिस्ट्री में आप मास्टर हैं। देखिए कैसे प्ले करना है इसको, देखिए ये दो लोन पेयर हैं, ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, H पॉजिटिव आपका यहां पे आ गया, देखिए H पॉजिटिव के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ऑक्सीजन के पास अब क्या आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। तो ये वन और वन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। ओवरऑल जो है बन गया ये आपका, ये पॉजिटिव इस तरह से आ गया, और इसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा, HSO4 नेगेटिव, तो ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह से अब एक रिएक्शन हम देते हैं आपको CO बॉन्ड की वजह से, ओके। तो CO बॉन्ड की वजह से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, देखिएगा नंबर एक, एक तो हम इसमें बता रहे हैं आपको हाइड्रोलाइसिस CO बॉन्ड की वजह से, थर्ड की वजह से जो रिएक्शन हम दे रहे हैं आपको हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। इट मींस आपको वाटर के साथ में रिएक्शन करना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एसिड, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करेंगे तो काफी फास्ट होगी, क्यों, ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर यहां पर है, वहां से ये एक्टिवेशन मिल जाएगा इसको। तो देखते हैं एक रिएक्शन आपको दे देते हैं CH3O, ये इसी से दे देते हैं, देखिए CH3, ठीक है। यहां पे आपने ये दो लोन पेयर लगा दिए, और इस पे आपने H2O की रिएक्शन कर दी, ठीक है, H2O की रिएक्शन कर दी, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपने H2SO4 ले लिया, H2SO4 ने H+ दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए सिंपल वे में तो ये है, देखो H2O क्या देता है, H+ और OH- देता है, ठीक है। आप लिखने को तो ऐसे लिख सकते, देखो H यहां लिख दिया, OH इसके साथ लिख दिया, तो आपने क्या किया, इतना पार्ट एक साथ हो गया CH3OH, और इतना पार्ट एक साथ हो गया, तो दो मॉलिक्यूल आपके किसके बन जाएंगे, CH3OH के, ठीक है। और अगर इसकी मैकेनिज्म आपको बनानी है तो देखिए मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग है, देखिए मैं यहां पर बना देता हूं मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, CH3OCH3 लोन पेयर है, ये एसिड का जो H+ है वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक्टिवेशन उसी ने करना है इस मॉलिक्यूल को, तो ये H+ किस पे जुड़ जाएगा बोलिए, लोन पेयर के साथ में, जैसा कि हमने पहले स्टेप पे भी आपको दिया था, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके साथ में क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3OH, ये लोन पेयर रहेगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये CH3, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन में पॉजिटिव, तो ऑक्सोनियम आयन, ठीक है ना। जब ऑक्सोनियम आयन बनेगा तो ऑक्सीजन में अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो होता क्या है, देखिए ये ऑक्सीजन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज गेन करता है यहां पे, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो ओ और सी बॉन्ड जो है, चाहे ये ओ सी बॉन्ड ले लीजिए या ये, दोनों तरफ बराबर है, देखिए यहां पर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर आर ग्रुप अलग अलग होते हैं तो फिर आपके पास में एक चॉइस होती कि आप किस बॉन्ड को पहले जो है तोड़ेंगे, अभी सिमेट्रिकल है, इसके बाद में अनसिमेट्रिकल के लिए बताता हूं आपको। तो ये ओ पॉजिटिव है, तो ये वाला ओ सी बॉन्ड जो है आपका किसकी तरफ ही आ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक तो ये हो जाएगा CH3OH, ये तो न्यूट्रल मिल जाएगा आपका CH3OH, और एक बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, ठीक हो गया ना। जो CH3 पॉजिटिव बना हुआ है, अब उसके बाद आपने वाटर लिया हुआ, देखिए वाटर के साथ में वो रिएक्ट करेगा, तो यहां पर अलग से बता देते, देखिए CH3 पॉजिटिव है प्लस H2। अब आपको मालूम है H2O में क्या होता है आपका, H+ और OH- होता है, ठीक है। तो ये OH- जो है किससे रिएक्ट कर जाएगा, सीधे इससे रिएक्ट कर जाएगा, आप चाहे वहीं पर भी कर सकते हैं उसको, मैंने अलग से आपको बता दिया, OH- यहाँ पे आ गया, CH3OH और प्लस क्या हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा, H+ अलग हो गया, मीन्स किसको दे दिया आपने, एसिड को वापस दे दिया, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल वे में है, लेकिन अब अगर आपको अनसिमेट्रिकल दे दिया जाए, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल में पहले यहां किस बॉन्ड को तोड़ोगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा कि जहां पर, क्योंकि ये जो है आपका कार्बोनियम आयन है, ये कार्बोनियम आयन है, जहां पर भी मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनने की पॉसिबिलिटी होगी उसी बॉन्ड को पहले आप तोड़ेंगे, और जहां पर लेस स्टेबल वाली पोजिशन बनेगी उसके साथ में आप क्या बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे, पहले अल्कोहल बना देंगे, ठीक है।
एक एग्जांपल इसका देते हैं। जैसे सपोज लेट, मैं इसका एग्जांपल यहां पे दे देता हूं आपको, काफी इंटरेस्टिंग है। लेट की आपको मैंने दे दिया ऐसा CH3, CH2O, CH3, CH3, ठीक है ना। तो ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है बिकॉज आर ग्रुप आर डिफरेंट। ओके, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होगा, ठीक, इस पर H2O की रिएक्शन होनी है और एसिड के प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट यहां पर अल्कोहल बना था, यहां पर दोनों ही सेम टाइप के अल्कोहल बने थे। अब एग्जाम में कभी कभी क्या आता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कभी ऑप्शन होंगे 2 mol CH3OH लिखा होगा, केवल CH3OH, ऑप्शन ए ओनली CH3OH, ऑप्शन बी CH3OH एंड CH3CH2OH, ओके, इसी तरह से ऑप्शन सी ओनली CH3CH2OH, ओके, ऑप्शन डी भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आप देखेंगे कि जब एल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बनेगा, जब एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो आपको आंख बंद करके आंसर बना देना है उसको। एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो जरा ऑप्शन देख लीजिएगा कि वो सही लिखे है या नहीं लिखे। कभी कभी क्या होता है कि यहां पर भी रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप सेम है तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं आपको लगाना है, तुरंत आंसर बन जाएगा। लेकिन एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का वो एल्काइल ग्रुप दिया है, कहीं एल्काइल ग्रुप में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर एल्काइल ग्रुप में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो जो दिख रहा है वो भी नहीं बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा आपका, ठीक है। फिलहाल तो इसमें बना देते हैं, ये भी इजी है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफर रहेगी कि आप पहले इस बॉन्ड को तोड़ेंगे या इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, कैसे पता चलता है वो बताते हैं। देखिए CH3CH2OCH3 पहले ये किससे रिएक्ट करेगा देखना, CH3CH2OCH3 ये H+ के साथ में रिएक्ट करेगा, तो ये H+ किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3CH2OH, लोन पेयर रहेगा पॉजिटिव CH3, ठीक है ना। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, देखिए आप देखेंगे कि आप इस बॉन्ड को यहां को खींचे या इस बॉन्ड को यहां खींचे, दोनों में कॉम्पिटिशन है। देखिए क्योंकि बॉन्ड किसकी तरफ आना है, ऑक्सीजन की तरफ, ये यहां आना है या ये यहां आना है, देखो दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। अब आपने ये देखना है कि जो ये बॉन्ड है आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन की तरफ कौन पहले शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो सी ओ है वो सी का इन्वायरमेंट आपने देखना, आप देख रहे हैं यहां पर इस सी से CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 का क्या इफेक्ट होता है, बोलो, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। यहां पर CH3 केवल अकेला है तो यहां पे क्या होगा, देखो ये प्लस आई जो है ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शिफ्ट हो रहे हैं, यहां से भी शिफ्ट हो सकता है, यहां से भी, लेकिन अगर किसी ने धक्का दे दिया उसको, ठीक है, आप कहीं पर कूदना चाह रहे हैं, किसी ने पीछे से हल्का सा पुशअप कर दिया, वो जल्दी नीचे को गिर सकता है, ठीक है ना। उसी तरह का यहां पे क्या होगा कि ये जो CH3 का जो इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो किसकी तरफ को कर देगा, फास्ट, ऑक्सीजन की तरफ। तो इस वजह से ये बॉन्ड पहले टूटेगा, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड पहले टूटेगा तो आपका एक तो बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव और प्लस हो जाएगा CH3OH, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम्स लगती हैं कि ये पहले टूटेगा ये पहले टूटेगा, तो दोनों को बना लीजिए। देखिए एक आपका ये बनता, दूसरा बनता, तो ये बनता, फिर ये कार्बोनियमाइन है, ये भी कार्बोनियमाइन है, दोनों कार्बोनियमाइन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसीलिए ये बनेगा ये नहीं बनेगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके साथ में कौन रिएक्ट करेगा, बोलो, वाटर का, वाटर का OH इससे जुड़ जाएगा, H+ जो अलग हो जाएगा, तो आपको माइनस H+ कर देता हूं मैं, ये एसिड को वापस दे दोगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, जो अभी मैंने आपको दिया था ये वाला प्रोडक्ट जो ऑप्शन दिए थे CH3CH2OH, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो CH3CH2OH और CH3OH, दीज आर द प्रोडक्ट, ठीक है।
और अगर यहां पे सेकेंडरी या टर्सरी है तो फिर आपको और देखना पड़ेगा, लेट की यहां पर ऐसा है देखिए, फिर यहां पे और ऑप्शन बन जाएंगे, फिर क्या बनेगा आपका यहां पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहां पे हुए चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत आसानी से इसमें प्रोडक्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपने गलत नहीं बनाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसी तरह से एक रिएक्शन और है इसमें आगे, जो लेट की एचआई के साथ में रिएक्शन अगर आपको करनी है। अभी तो मैंने ये हाइड्रोलाइसिस आपको बताया था, अब हम बताएंगे सीओ बॉन्ड की ही रिएक्शन, रिएक्शन विथ एच एक्स यानी कि एच एक्स में एक एच आई ले लेते हैं चलिए, ठीक है। तो हमने लिया CH3 CH2 OH, यानी कि इसको हम कर देते हैं CH2 CH3, ठीक है। इथर की रिएक्शन हमने करनी है, तो इस पे आपने एच आई की रिएक्शन करनी, देखिए है तो बहुत ही सिंपल, ओके। क्योंकि एक पार्ट, जैसे अगर मैं इसको ले लूं, इतना पार्ट किसके साथ में आ गया, ओ के साथ में, तो ये तो बन गया आपका क्या CH3 CH2 OH, और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया देखिए CH3 CH2 I, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें लेकिन रिएक्शंस का आपको मैकेनिज्म में ये ध्यान देना है कि कभी कभी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जाती है, कभी कभी SN2 से भी होती है, कब क्या होता है वो डिपेंड करेगा आपका एल्काइल ग्रुप। देखिए एसिड की प्रेजेंस, अब एच आई वगैरह के साथ रिएक्शन करते तो एक अल्कोहल और एक आपको एल्काइल हैलाइड बनना, देखिए अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनना है, ठीक है। जैसे पहले हाइड्रोलाइसिस में हमारे क्या बने थे, दोनों ही अल्कोहल बने थे, लेकिन यहां पर एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बनना है। अब लेट की अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे दे दूं आपको कि ये जो है आपसे ये पूछा जाता है CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस एच आई, और इसके नीचे ऐसा लिख देंगे एक्सेस, ठीक। जब नहीं लिखा होगा तो प्रोडक्ट आपके सामने है, लिखा होगा तो प्रोडक्ट फिर आपको अगर यहां क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए और ऑप्शन पूछेंगे वहां पे, ऑप्शन नंबर 1 CH3 CH2 OH एंड CH3 CH2 I, ऑप्शन नंबर 2 ओनली CH3 CH2 OH, सी ओनली CH3 CH2 I, और डी में कुछ और ऑप्शन आ गया CH3 OH एंड CH3 CH2 OH, ठीक हो गया। देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, पहले भी एक ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन हमने दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं आंसर ए है, जिसमें कि एक अल्कोहल बन रहा है और एक क्या बन रहा है CH3 CH2 I बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब ये एक्सेस होगा ना, जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा, देखिए आपको ध्यान देना है पहले यही प्रोडक्ट आपको बना लेने, देखिए CH3 CH2 OH और प्लस क्या होगा CH3 CH2 I, ये तो बना नहीं है, लेकिन वो कहता है कि एच आई बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो जैसे ही CH3 CH2 OH बनेगा ये एच आई से फर्दर रिएक्शन करेगा, तो ये एच और ये ओ एच आउट होकर के यानी कि एच टू अगेन आउट हो जाएगा और आपका क्या हो गया CH3 CH2 I बन जाएगा। तो इट मींस दोनों ही प्रोडक्ट आपके क्या बन गए, एल्काइल हैलाइड के अंदर बन गए, तो इट मींस दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब चीजों को छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, बट काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके कॉम्पिटिशन वगैरह में आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जो है क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है। अगर वो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते नहीं आ रहा है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है आंसर की, तो आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है, आगे को बढ़ते चले जाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम आगे की चीज बताएंगे। थैंक